बाजी ये लो। कसम चार मीनारा की, सबको सलाम वालेकुम। भाई लोग तशरीफ रखो। कसम चार मीनारा की, बारह वाले एड्रेस पे छोड़ कर आऊंगा अपन। बाजी भाई लोग ओ पीछे खोला डिक्की। बैठो मियाँ, बैठो बैठो। और नाना दरवाजा खोल। अजी आजा। हमारी बुकिंग है यहाँ पे। हाँ क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज राठी। संतोष अब तो बहुत जोर की भूख लगी है, खाई लेता तो अच्छा था ना। अपने तो 12 महीने भूख लगे। अरे चाल कर नहा धो लियो, फिर आराम से नाश्ता करांगा। क्यों चिंता करो, चल चलो चलो चल। हाँ भैया नमस्कार। जी आप कैसे आ गए यहाँ पे? वो बाबा साहब ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। अच्छा सेब, ये बहुत अच्छा काम किया बाबा साहब ने। दादाजी आप खुश तो है ना? आपको पता है अब से सही 1.5 घंटे के बाद हम वहां पे होंगे जहां पे पहुंचने के आपने सपने देखे थे, पुलिस एकेडमी में। आज के बाद आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ सूरज जी, लेकिन अपनों से अलग होने की तकलीफ भी है। संध्या जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी ये सब बातें करने और सोचने का टाइम ना है। चलो ठीक है, अभी हमारे पास है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में 1 घंटा 29 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, और यह सबसे खूबसूरत 1 घंटा 29 मिनट होंगे। और बाकी बचा 1 मिनट, उसमें आप ये सब दूरियों वूरियों की बातें कर लेना। चलो संध्या जी, आप और पापा साहब का नाश्ता हो गया होगा, चलो सामान निकाल लेते हैं। क्या हुआ सर जी? वो मेरा बैग नहीं दिख रहा है। वो जो आपके कंधे पे डाला हुआ था। हाँ हाँ सर जी, मेरा बैग। कितनी देर लगी है छोड़ा ने? अरे रे, एक तो पहले ही देर हो रही है, ट्रेनिंग में पहुंचना है। अरे सूरज बेटा चलो चलो जल्दी कर। राम सूरज रे सूरज
अरे मारा राम जी भाबू भाबू छुरा अठे के कर रहे है बटे पूछना कोनी के पहले से ही देर हो गई वो संदे वाला बैग थारे पास है ना बैग कौन सो बैग और मारे पास भाबू मेरा बैग दिख नहीं रहा है संतोष तूने जो स्टेशन के सामने संध्या बिंदनी से बैग लिया था ना वही वाला रे बिंदनी अठे ही होगो देख जरा नहीं बाबू यहां तो देख लिया है हाँ ये मारा राम जी जे तो बड़ी समस्या होगी अब कटे ढूंढा संतोष तूने कहीं गिरा विरा तो नहीं दिया जरा याद कर ली ढंग से ना ना गिरा के आ सकूं अरे मारा राम छोरा मारे को लागे टैक्सी में छूट गयो मुझे याद ना है कि मैंने टैक्सी में से उठाया है कि ना उठाया है टैक्सी में वो टैक्सी वाला तो चला गया और उसका कुछ ठिकाना भी नहीं पता कहाँ होगा वो अरे बेटा टेम भी कहाँ है एक सवा घंटे में तो बठे पहुंचना है चलो घूम गया तो घूम गया चल 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 संतोष बाबा साहब वो बैग के बिना हम एकेडमी में नहीं जा सकते उस बैग में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरी ओरिजिनल मार्कशीट और वहां जाने का प्रवेश पत्र भी वहां मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे उसके बिना मुझे हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तू तो बड़ी जिम्मेदार है ना संतोष हाँ। तो थारे हाथ से ये बैग टैक्सी में कैसे रह गया अब देखना थारी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी समस्या आ गई अब जब कागज पत्र के बिना संध्या मेंद्रे की सारी मेहनत पर पानी फिर गयो मन हूं मैं कि मारे से गलती होगी अब आप लोग बताओ मैं क्या करूं क्या करेंगे ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी बाबू बाबू कोई बात नहीं तूने जानबूझ के थोड़े ना किया है इसलिए तू परेशान ना हो हाँ बाबू कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा हाँ बाबा साहब वो टैक्सी वाले को ढूंढते हैं एक काम करता हूँ मैं नीचे होटल वाले से पूछता हूँ पूछते हैं उससे कि टैक्सी अड्डा कहाँ है ना चलो चलो फटाफट से जी ठीक है चल चल ले जल्दी 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 चलो पता करना है कहाँ चला गया टैक्सी वाला ध्यान से बाबा संभल के हाँ हे ठाकुर जी अरे वो यहाँ पे टैक्सी स्टैंड कहाँ पे इधर आगे कहाँ पे इधर हाँ जी चल चल छोड़ जल्दी कर
सुनो भाया, मारो सामान ना, वो टैक्सी में छूट गयो है। तो क्या पता है लगावा नागो तेले अंदो। अजी वो हमारा ना एक टैक्सी में बैग छूट गया है। क्या आप बता सकते हैं कि वो टैक्सी वाला यहीं पे मिलेगा या फिर कहाँ ढूंढे उसे? देखो हमको बैग को तो पता नहीं, पर हाँ एक ड्राइवर एक बैग लेके आया, वो मैं आपको लाके दिखाता। बाबू लाइए ना। हाँ लाता जी लाता, रुको रुको आप। हाँ जी काम पर आ गया। हाँ जी ये बैग है। ना जेम जेम हरा ना है। नहीं ये नहीं है भाई। संध्या जी 10 बज रहे हैं, ये करे बेटा। सूरज जी मुझे लगता है कि अब हमें पुलिस में शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए, हो सकता है कि वो लोग उस ड्राइवर को ढूंढ ले। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है बीन, रेलवे के कागज पत्र मिलना बहुत जरूरी है ना। हाँ। अजी यहाँ पे पुलिस स्टेशन कहाँ है? अयो बस 2 मिनट का रास्ता जी, वो सामने। चलो जी। देखिए हमने आपको कंप्लेंट लिखी है, आप अपना फोन नंबर लिखवा दीजिए, बैग मिलते हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी वो बैग का भी मिलना बहुत जरूरी है, वो कहना कि हमारे पास समय ना है इतना जितना आप बोल रहे हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बचा है, उसमें बहुत जरूरी कागजात हैं, मेरी पत्नी है ना उनकी उसमें सर्टिफिकेट है, कुछ इनके प्रमाण पत्र हैं, बहुत कुछ है उसमें, और अभी से 11 बजे उनको पुलिस अकेडमी पहुंचना है, IPS की ट्रेनिंग के लिए। ये आप तो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, आप तो समझ सकते हैं ना कि कितना जरूरी है, मेरी पत्नी का सपना है जी, कुछ कर दीजिए। तो आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हैं, पब्लिक की जिम्मेदारी उठाना चाहती हैं, एक बैग तो आपसे संभाला नहीं गया, पता नहीं कैसे संभालेंगे आप आगे जाके। नहीं नहीं साहब जी, मारी बीनी की कोई गलती ना है, वो जो बैग ना मैंने ही मारी बीनी से लिया था, मारे को ध्यान ही कोनी रहा और वो बैग टैक्सी में छूट गया, मारी बीनी की गलती ना है इसमें साहब जी, वो तो बहुत तेज है साहब जी, हर चीज को ध्यान रखे। मतलब आपकी गलती का अर्जाना अब पूरा इनको भरना पड़ेगा। कुछ भी कीजिए साहब जी, मारी बीनी को बैग ना ढूंढ कर निकाल दियो, मैं आपसे माफी मांगू, मारी ठाकुर जी की ना बहुत मेहर रहेगी आप पर। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आपने अपना नंबर तो लिखवा ही दिया होगा, बैग मिलते ही हम आपको फोन कर देंगे। छोरा बिन जैसे मारी लापरवाही की वजह से हुई, अब अगर बैग ना मिला तो न जाने के होवे को। आपको कोई बात नहीं, तो इतना परेशान ना हो। देख हर बार एक ही बात बोल के आ रहा हूं कि हमारी गलती ना है इसमें बाबू, वो अचानक हो गया। अब तो एक ही रास्ता बचा है संतोष, पुलिस स्कूल में जाके उन्हें सारी बात साफ साफ बता देती है।
नहीं बाबू, साहब अब ये सब करने का कोई फायदा ना है। बाबा साहब, अब वहां के कानून और वहां के नियम बहुत ही सख्त है। आप तो जानती है ना, हाँ बाबू, ऐसे हमारी वहां पे कोई ना सुनने वाला। देख बेटा, अब और कोई रास्ता भी तो कोई बचा है, और नहीं तो कम से कम उन्हें हाथ जोड़ के विनती करती है कि हमारी किए की सजा हमारी संध्या बिंद्री को ना दो। इसने यहां तक आने में बड़ी मेहनत की है, हम बता देंगे उन्हें सब कुछ। सच कह रही हूँ छोरा, मारे को बिल्कुल ना पता था कि उस बैग में के है, और वो हमारे हाथ से छूट गया। मैंने जानबूझकर ना छोड़ा है छोरा, ठाकुर जी की सौगंध खा रही हूँ। हाँ? कैसी बातें कर रही है? अरे बेटे को तो इस पे यकीन है बाबू, और संदेश को भी कुछ कोई संकोच ना है। बाबू सूरज जी ठीक कह रहे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप परेशान मत होइए। मैं जानता हूँ मेरे बाबू ने जानबूझ के नहीं किया, तो चिंता ना कर, भगवान हमारे साथ है। आज मारो मन बहुत दुखी हो रहा है, आज अगर संध्या बीनी है पुलिस में दाखिला ना मिला ना, तो मैं अपने आप ने कदई माफ ना कर पाऊंगी। संध्या बीनी से कदई नजर ना मिला सकती। ठाकुर जी, अगर मैंने तारी दी पूरी श्रद्धा और मन से की हो ना, तो वो बैग मिला दे। मैं भी आया। चोरा कीजिए भगवान, आपने तो देखा ही है ना, संध्या जी ने अपने सपने के लिए कितना संघर्ष किया है, कितना कुछ सहा है, और आज उनका सपना सच होने को है, और यहां से खाली हाथ लौटना, नहीं नहीं भगवान, आज तो आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।